वहीं जनपद चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 193 मतदेय स्थलों की पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री के साथ मतदान स्थल के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए बद्रीनाथ विधानसभा में कुल 210 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं जिसमें से दूरस्थ पोलिंग बूथों पर 17 पोलिंग पार्टियों को बीते रोज ही रवाना किया गया था, जबकि 193 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया। वहीं पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचंद्रन, जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना समेत अन्य नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए बद्रीनाथ चुनाव निर्वाचन में आज हमारी जो शेष पोलिंग पार्टियां हैं, कल 8 जुलाई को हमारी जो दुरुस्त वाली थी वो रवाना हो गई थी और सभी सरपंचर अपने जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुँच गए थे। आज जो हमारी रिमेनिंग पोलिंग पार्टीज हैं वो आज रवाना हो रही है, तो उसमें से अधिकांश सभी को हमने सामग्री हमने वितरित कर दी है और अधिकांश हमारी यहाँ से रवाना भी हो चुकी हैं। और बारिश को देखते हुए हमने यहाँ पर जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं ऐसे हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जहाँ पर रोड बंद होने की संभावना होती है वहाँ पर एक्स्ट्रा वाहनों की तैनाती और जो जनपद में जो भी हमारे JCB एक्सकेवेटर हैं सभी को मोबिलाइज करते हुए और जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जहाँ रोड बंद हो सकते हैं तो हमने मशीनों की भी तैनाती करी है कि पोलिंग पार्टीज हमारे सकुशल मतदान केंद्र पर पहुँच सकें और वहाँ किसी भी तरह का व्यवधान का सामना न करें।